Hello everyone, welcome back to Mamata Nirbhar tutorial, and today we will do some more questions on biology. Let's start with the question 41. Presence of plants arranged into well-defined vertical layer depending on their height can be seen best in. तो इनमें से कौन सा है जिसके अंदर हम वर्टिकल लेयर्स तक देख सकते हैं प्लांट्स की? तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसके अंदर फाइव टाइप के वर्टिकल स्ट्रेटा होते हैं जो कि हाइट के अकॉर्डिंग प्लांट लगे होते हैं. जैसे सबसे पहले जो होगा वो ग्राउंड वेजिटेशन होता है, फिर श्रब्स होते हैं, फिर शॉर्ट कैनेपी ट्रीज होते हैं, फिर टॉल कैनेपी ट्रीज होते हैं, और फिर टॉल एमर्जिंग ट्रीज होते हैं. तो ऐसे इनकी लेयरिंग होती है हाइट के अकॉर्डिंग. तो हम सबसे अच्छे से इसको किस में देख सकते हैं, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. क्वेश्चन 42 देखते हैं. अ डिजीज कॉज बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन रिजम्पशन इज. तो ऐसी कौन सी डिजीज है? तो वो होती है डाउन सिंड्रोम, जो कि 21 क्रोमोसोम्स नॉन रिजम्पशन की वजह से होती है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट. क्वेश्चन 43 देखते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर. जो एक्टोकार्पस होता है फ्यूकस की, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी कैसी होती है? तो एक्टोकार्पस जो होता है वो हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है, और फ्यूकस जो होता है वो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है उसकी. तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन थ्री. क्वेश्चन 44 देखते हैं. द जीनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर. जो एक का है, हस्बैंड का है जो है वो आई ए है, आई बी है, और जो वाइफ है वो आई ए है और स्मॉल आई है. अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल. तो कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल हैं अगर इन इस ब्लड ग्रुप को मैच किया मिक्स किया जाए. तो जीनोटाइप्स जो होंगे वो आएंगे 4, आई ए आई ए, आई ए आई बी, आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई. तो ये होंगे हमारे 4 जीनोटाइप, और जो फिनोटाइप्स होंगे वो 3 होंगे, जो कि आई ए और आई ए, और साथ में आई ए और स्मॉल आई जो होता है उनका जो फिनोटाइप्स होता है वो ए ही होता है, और आई ए और आई बी का जो फिनोटाइप होगा वो ए बी होता है, और आई बी और स्मॉल आई का जो फिनोटाइप होता है वो बी होता है. तो इसमें जीनोटाइप्स जो होंगे वो 4 होंगे, फिनोटाइप्स जो होंगे वो 3 होंगे. तो ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 45 देखते हैं. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल के लिए इनमें से कौन सा रॉन्ग है, वो है ऑप्शन 4. द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोए विद पाइरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड. तो ऐसा नहीं होता है. जो क्रेब्स साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए, जो कि 2 कार्बन होते हैं, विद ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है. ये दोनों मिलके सिट्रिक एसिड बनाते हैं जो कि 6 कार्बन का होता है. तो ऑप्शन जो 4th है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 46 देखते हैं. जायगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. तो जायगोटिक मियोसिस जो होता है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो कैलामाइडोमोनास होता है वो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है उसकी, और वो शो करता है जायगोटिक मियोसिस. तो इसका जो ऑप्शन 4th है ये राइट आंसर है. क्वेश्चन 47 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम. तो ये कौन सा मैच सही मैच करता है अपने प्रोडक्ट के साथ? तो ऑप्शन जो 4th है ये सही मैच करता है. जो सैक्रोमाइसी सर्वेसी होता है ये, इसको हम कॉमनली ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं, और इसका जो मेन काम होता है वो होता है फर्मेंटेशन करना कार्बोहाइड्रेट का, और ये प्रोड्यूस जो करता है वो इथेनॉल होता है. तो ऑप्शन जो 4th है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 48 देखते हैं. इन केस ऑफ पॉलीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड. तो जो पॉलीफेरेंस होते हैं उसके अंदर जो स्पॉन्जोसील है वो किससे लाइंड होते हैं, जो जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं यानी उसमें फ्लैजिलास होते हैं सेल के अंदर, तो वो होते हैं कॉलर सेल, जिसको हम कोरोनोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये लाइनिंग करते हैं स्पॉन्जोसील्स की, एक बाहर की लाइनिंग होती है इसकी. इनका जो काम होता है वो वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर वाटर सर्कुलेशन का होता है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3. क्वेश्चन 49 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल. तो ऐसा कौन सा आरएनए है जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर? तो वो होता है आरआरएनए, जो कि 80% होता है टोटल आरएनए के अंदर जो देखा जाए, तो वो 80% आरआरएनए होता है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1.
क्वेश्चन 50 देखते हैं. फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेक आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो अगर हम फ्रॉग के हार्ट को अगर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो भी वो थोड़ी देर के लिए धड़कता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उनका खुद होता है, और साथ में जो हार्ट होता है वो ऑटो एक्साइटेबल भी होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो खुद से होता रहता है. तो सी और डी इसका राइट ऑप्शन है. तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन 51 देखते हैं. विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स. तो इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि एक्वेटिक मैमल्स की ही है? तो जो शार्क और ट्राइगन होते हैं यानी स्ट्रिंग रे होती है, ये दोनों के दोनों जो है वो कार्टिलेजनस फिश है. तो ये कॉन्ड्रिच थाइस के अंदर आते हैं, जबकि जो व्हेल, डॉल्फिन और सील जो होते हैं वो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, एक्वेटिक मैमल्स के अंदर ये तीनों आएंगे. क्वेश्चन 52 देखते हैं. विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बेस पे सही नहीं है? तो वो है हमारा ऑप्शन 3, C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू हायर टेम्परेचर विद एनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस, वाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम. तो ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है. जो C3 प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है हायर टेम्परेचर पे ड्यू टू द इंक्रीज इन फोटो रेस्पिरेशन, और जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर पाइरूवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम होता है जो कि काफी सेंसिटिव होता है लो टेम्परेचर पे, तो ये हायर टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं. तो ऑप्शन जो 3 आएगा ये राइट आंसर है. क्वेश्चन 53 देखते हैं. द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद. तो अगर हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने किया होगा तो उसके अंदर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कौन से स्टेन से कर सकते हैं? तो वो होता है इथिडियम ब्रोमाइड, जिसको हम जो डीएनए होता है इससे स्टेन हो जाता है, और ये एक ऑरेंज कलर दिखाता है, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाता है अगर हम यूवी लाइट में देखते हैं. तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन 4, इथिडियम ब्रोमाइड. क्वेश्चन 54 देखते हैं. एसिम्प्टोटे इन आर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन. एसिम्प्टोटे वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो कर्व होता है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, यानी जो लॉजिकल कर्व बने तो वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आना चाहिए. तो ऐसे कंडीशन बैठेगी लॉजिस्टिक ग्रोथ में. तो लॉजिकल जो ग्रोथ होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, dn by dt is equal to rn k minus n upon में k. तो इसके अंदर जब तक हमारा जो k minus n upon में k जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तब तक हमारा अप्रोक्सीमेटली जीरो हमारा रिजल्ट जो होगा वो जीरो नहीं आ सकता. तो अगर हम k भी k equal to n कर देते हैं, ये दोनों सेम होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, टोटल को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा. तो ये केस सिर्फ तभी आ सकता है जब हमारा k equal to n हो. तो ऑप्शन जो 2 आएगा इसका राइट आंसर है. 55 देखते हैं. फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू. जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो मेगास्पोर्स होते हैं वो किसमें डेवलप हो जाते हैं? जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस करता है. काफी सारी जनरेशन माइटोसिस की होती है, लगभग 3 जनरेशन होती है, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज आ जाती है, और जो कि जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं. तो ऑप्शन जो 3 आएगा इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 56 देखते हैं. अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी. तो जो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इनमें से कौन सी कैरेक्टर उन्होंने नहीं लिया था? तो नेचर ऑफ ट्राइकोम्स उन्होंने नहीं लिया था, जो कि ग्रैंडुलर या नॉन ग्रैंडुलर, ये वाला कैरेक्टर उन्होंने नहीं लिया था. तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 57 देखते हैं. लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वेलाई. दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ. तो अगर हम फोर्सफुल एक्सपायर भी करते हैं बाहर, हम अपनी सारी एयर को बाहर भी निकालते हैं,
तभी जो एयर सैक होते हैं यानी एल्विओलाई जो होते हैं वो कोलैप्स नहीं करते, तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से नहीं करते। तो उसका जो ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 58 देखते हैं। GnRH जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, ये मेनली रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ये किसके ऊपर एक्ट करता है ये बताना है। तो वो है हमारा ऑप्शन टू, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ LH और FSH हार्मोन्स का सिक्रेशन। तो ऑप्शन जो टू आएगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स, तो एरोसोल्स के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो वो है ऑप्शन थर्ड, दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बल्कि उल्टा होता है, एरोसोल जो होते हैं वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनके काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, और साथ साथ में एयर पॉल्यूशन भी काफी फैलाते हैं ये। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन 60 देखते हैं। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो इसके जो थॉर्न्स होते हैं ये किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं और स्ट्रेट पॉइंटेड होते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो सिर्फ प्रोटेक्शन होता है। तो ऑप्शन जो थ्री आएगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू गाइज।